और बात करेंगे चक्रधरपुर की, जहां रेल मंडल में एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर नागरिक एकता मंच ने जमकर प्रदर्शन किया है। मंच के लोगों ने इस दौरान गोइलकेरा रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर बैठकर ट्रैक को जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक यहां पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सहयोगी रुपेश जुड़े हुए हैं। रुपेश, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए ट्रैक जाम कर दिया है, लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की। फिलहाल मैं वहीं पर मौके पर मौजूद हूँ। यहाँ हजारों की संख्या में नागरिक एकता मंच के बैनर तले ग्रामीणों ने रेल चक्का को जाम कर दिया है। ये हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पिछले करीब 2 से 2.5 घंटे से यहाँ पर जाम है और ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है और यहाँ आंदोलनकारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ भी रही है और उनकी मांग ये है कि यहाँ जो एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हटा दिया गया है, विशेषकर दो ट्रेनें साउथ बिहार एक्सप्रेस और उत्कल एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनें स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाई जा रही है, लेकिन इन दोनों ट्रेनों का यहाँ पर पहले से ठहराव था, लेकिन अभी जब दोबारा ये शुरू हुई है स्पेशल ट्रेन बनाकर तो यहाँ इसका स्टॉपेज बंद कर दिया गया है, जिसके विरोध में ही नागरिक एकता मंच द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया है। और कुछ दिनों पहले चक्रधरपुर रेल मंडल में इनके द्वारा मांग पत्र भी सौंपा गया था और एक निर्धारित समय देकर इन दोनों ट्रेनों का ठहराव शुरू करने का मांग किया गया था और उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर आज से इन्होंने अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम यहाँ शुरू किया है। तो क्या अभी कोई अधिकारी पहुंचे हैं लोगों से बातचीत के लिए? क्या बातचीत हो पा रही है रेलवे की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से? कोई नुमाइंदा वहां पहुंचा है उनसे बातचीत के लिए? स्थानीय पदाधिकारी के रूप में यहाँ गोइलकेरा प्रखंड के जो वीडियो है वो दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त है यहाँ पर और आरपीएफ के कुछ सुरक्षा पदाधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन रेल मंडल से कोई वरीय पदाधिकारी फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और आंदोलनकारियों से किसी भी पदाधिकारी के द्वारा अब तक बात शुरू नहीं की गई है, वार्ता शुरू नहीं की गई है। और इस आंदोलन को स्थानीय विभिन्न दलों के, जैसे भाजपा के पूर्व विधायक भी आंदोलनकारियों के समर्थन में रेल चक्का में साथ बैठे हुए हैं, इसके अलावा और अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी इस आंदोलन को समर्थन देकर उनके साथ यहां पर रेल चक्का जाम में शामिल हुए हैं और फिलहाल कोई बातचीत रेलवे की तरफ से आंदोलनकारियों के साथ अब तक शुरू नहीं की गई है। चलिए नजर बनाए रखिए और अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये चक्रधरपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग की जा रही है। बताएं आपको कि यहां पर पहले ट्रेन का ठहराव होता था, लेकिन कोरोना के वक्त जब सारी ट्रेनें रोकी गई उसके बाद से अब तक यहां पर ये सेवा बहाल नहीं की गई है, जिसे लेकर अब यहां के स्थानीय लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, लोगों ने ट्रैक पर बैठकर ट्रैक जाम कर दिया है। लोगों की ये मांग है कि जब बाकी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, तो फिर यहां पर भी ट्रेन का ठहराव होना चाहिए, एक्सप्रेस ट्रेन का, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। और ये नागरिक एकता मंच के द्वारा यहाँ पर रेल चक्का जाम किया गया है, ट्रैक पर बैठ गए हैं और ये हावड़ा मेन रूट को ही जाम कर दिया है, हावड़ा मुंबई मेन रेल रूट जो है वो जाम कर दिया गया है। अभी तक हालांकि कोई बड़े अधिकारी नहीं पहुंचे हैं इन लोगों से बातचीत के लिए, लेकिन भीड़ और बढ़ती हुई, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये आंदोलन बढ़ता हुआ। ट्रैक जाम कर दिया है,
नागरिक एकता मंच ने ये रेल चक्का जाम किया है, एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग है यहाँ पर। एक